अब देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जिसका टाइटल है TREMBL, या फिर कभी कभी इसे हम लोग ट्रेम्बल के नाम से भी पुकारते हैं। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिसके द्वारा आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा बूस्टअप कर पाएंगे। देखिए, वीडियो स्पॉन्सर्ड किया गया है जी अकेडमी के द्वारा, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और फाइनली, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर लेक्चर, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। देखिए, सही मायने में अगर देखा जाए तो ट्रेम्बल सेक्शन को हमें यूनिप्रॉड डेटाबेस में पढ़ना चाहिए था, लेकिन इत्तफाक यूं हुआ कि इस टॉपिक को बहुत से यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एक सेपरेट टॉपिक के तौर पर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेम्बल का पूरा सही मतलब क्या है। देखिए, ट्रेम्बल का सही मतलब है ट्रांसलेशन ऑफ EMBL, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। अब आपकी जानकारी के लिए बताता चलो कि EMBL दरअसल यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी के नाम से जानी जाती है, जो कि यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट में करंटली मौजूद है। देखिए, अगर हम बात करें आज से लगभग 30 से 40 साल पुरानी, तो उस समय किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस को एनोटेट और वेरीफाई करने के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स लोगों के टीम की जरूरत होती थी। और तो और, उस दशक में सीक्वेंस डेटा भी बहुत कम गति से प्रोड्यूस होता था, जिनके द्वारा उस डेटा को आसानी से मैनेज कर लिया जाता था। अब धीरे धीरे जीनोम प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट होने लगे, और इसी के चलते रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के सामने एक और समस्या चुनौती बनकर खड़ी हो गई। देखिए, समस्या दरअसल यह थी कि सीक्वेंस डेटा बहुत तेजी से प्रोड्यूस होने लगा, जिसे कि इन एक्सपर्ट्स के टीम के द्वारा संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सन 1996 में ट्रेम्बल सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बताता चलो कि इसे एस्टेब्लिश करने के पीछे दरअसल यह मकसद था कि जो भी डेटा बहुत तेजी से जीनोम प्रोजेक्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा था, उसे सही तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से संभाला और मैनेज किया जा सके। देखिए, ट्रेम्बल सेक्शन असल में एक सेकेंडरी डेटाबेस की तरह एक्ट करता है। अब इसे इस बात से समझे कि अगर कोई भी सीक्वेंस डेटा किसी लैब या फिर किसी भी अन्य जीनोम प्रोजेक्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस होता हो, तो उसे प्राइमरी डेटा का दर्जा दिया जाता है। और अगर इसी प्राइमरी डेटा को हम किसी डेटाबेस में स्टोर करते हैं, तो वह डेटाबेस प्राइमरी डेटाबेस कहलाया जाता है। अब होता यह है कि इस प्राइमरी डेटाबेस से डेटा को उठाया जाता है और फर्दर कंप्यूटेशनल टूल्स के द्वारा कंप्यूटेशनली प्रोसेस करके इसी डेटा में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड करके इसे सेकेंडरी डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फाइनली, इस सेकेंडरी डेटा को जिस डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, वह दरअसल सेकेंडरी डेटाबेस कहलाया जाता है। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में यह बोला जा रहा है कि ट्रेम्बल ऑटोमेटिकली एनोटेट्स एंड क्लासिफाई प्रोटीन सीक्वेंसेस। अब दरअसल होता यह है कि ट्रेम्बल सेक्शन जिस सोर्स से प्रोटीन सीक्वेंस डेटा को उठाता है, उस डेटा को यह ऑटोमेटिकली एनोटेट करके उसे फर्दर क्लासिफाई कर देता है। अब आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि यह पूरा प्रोसेस फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, जिसमें अलग अलग कंप्यूटेशनल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर आज के समय में देखा जाए तो इस सेक्शन को यूनिप्रॉट डेटाबेस के यूनिप्रॉट नॉलेज बेस सेक्शन में मर्ज कर दिया गया है। असल में दोस्तों, इस पॉइंट में यह बोला जा रहा है कि ट्रेम्बल इज अ अनरिव्यूड सेक्शन ऑफ यूनिप्रॉट नॉलेज बेस डेटाबेस। इस बात को आप ऐसे समझें कि ट्रेम्बल सेक्शन में जो भी सीक्वेंस डेटा एनोटेट और क्लासिफाई किया जाता है, वह पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होता है, और इस प्रक्रिया में कोई भी साइंटिस्ट, रिसर्चर या फिर एक्सपर्ट मौजूद नहीं होता। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताता चलो कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो भी सीक्वेंस डेटा ट्रेम्बल सेक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है वो ठीक ही हो, इसमें एरर भी देखने को मिल सकते हैं। कंटेंस हाई क्वालिटी कंप्यूटेशनली एनालाइज्ड रिकॉर्ड्स। दोस्तों, इस बात का यह मतलब हुआ कि ट्रेम्बल सेक्शन से जो भी कंप्यूटेशन हो रही है, वह असल में एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम के द्वारा हो रही है, जिसमें कि मल्टीपल लिटरेचर्स, आर्टिकल्स और कई सारे मल्टीपल सोर्सेस एज एन एविडेंस मौजूद हैं। और तो और, इसमें वो भी प्रोटीन सीक्वेंसेस एज एन एविडेंस मौजूद हैं, जिन्हें मैन्युअली लोगों के द्वारा डायरेक्टली यूनिप्रॉट पे सबमिट किया गया है। इनेबल्स डेटा टू बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक मोर क्विकली।
देखिए, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में समझा था कि ट्रेम्बल असल में किसी भी प्रोटीन सीक्वेंस पर ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन के जरिए एनोटेशंस ऐड करता है। अब इस बात को ऐसे समझें कि अगर आप किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस पर तुरंत एनोटेशन और क्लासिफिकेशन जैसे फीचर्स ऐड करवाना चाहते हैं तो ट्रेम्बल ऑप्शन आपके लिए सबसे सुटेबल रहेगा, जो कि बहुत ही कम समय में आपको आपके प्रोटीन सीक्वेंस पर एनोटेशन और क्लासिफिकेशन जैसे फीचर्स ऐड करके दे देगा। और तो और आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि कभी कभी आपको गलत एनोटेशंस भी देखने को मिल सकती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह एनोटेशंस ऐड करने का प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है, जिसे कि तुरंत रिजल्ट्स पाने के लिए परफॉर्म करवाया जाता है। देखिए दोस्तों, रॉल्फ एपविलर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें ट्रेम्बल सेक्शन के फाउंडर का दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।